I played it सो है गाइस आज का ये वीडियो का डिमांड मेरा एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मेरे को कल इंस्टाग्राम में किया बोला कि मैं एक नया सेटअप कर रहा हूँ नेटिव फिशेस के लिए तो उसमें क्या क्या नेटिव फिशेस ऐड किया जाए जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होता है रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है तो मैं उसे बोला कि बेसिकली देखो ये जो नेटिव फिशेस है ना मैक्सिमम टाइम मार्केट में मिल जाता है नॉर्मली फिश मार्केट से बहुत कोई रेस्क्यू करके लाता है सो गाइस वो बोला तो कौन सा कौन सा ऐसा फिशेस है जो कि नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा या फिर अगर कोई पेट स्टोर में भी मिलेगा कम प्राइस होगा पर नेटिव होना चाहिए नेटिव पर फिर भी देखने में सुंदर सो so आज मैं ऐसा फिशेस बताऊंगा विद इन जो है मैं भी इंक्लूड करूंगा ये लिस्ट में तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइस आज हम लोग का इंडियन फिशेस के ऊपर वीडियो है तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेलाइकॉन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस आप लोग तो पहले रोस का नाम सुने होंगे रॉस फिश जो कि भाई बहुत ही देखने में सुंदर होता है पर गाइस रोश का एक इंडियन वर्जन भी है उसका नाम क्या है पता है उसका नाम है स्लेंडर रॉसबोरा ग्रेइस टाइप या फिर मिल्किस टाइप देखने में होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है अगर ये स्कूलिंग फिश बोल सकते हैं मतलब कम्युनिटी में अगर रखेंगे बहुत ही सुंदर रखता है देखिए नेटिव फिश का जो टैंक सेटअप है थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है मतलब थोड़ा सैंड देके थोड़ा सजा वजा के ऐसे करके नेटिव होता है देखने में सुंदर लगता है तो सिलेंडर रॉसबोर्ड है हम लोग का नंबर वन में टॉप टेन लिस्ट में टॉप टेन लिस्ट में नंबर टू में जो है वो है घोष्ट श्रीम स्ट्रीम ऑब्वियसली आप लोग को नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा कोई दिक्कत भी नहीं होगा और ये जो है ना जब जब बड़ा होता है तो देखने में बहुत ही सुंदर होते जाते हैं मतलब बहुत कोई क्या करते हैं खा लेता है पर बेसिकली ये जो है बड़ा होने से बहुत ही सुंदर लगता है स्पेशली उसका जो ईयर पार्ट है ना वो जगह बहुत ही सुंदर लगता है मेरे को तो लगता है दूसरे का भाई पता नहीं है तो टॉप टेन लिस्ट में नंबर थ्री में जो है वो है हानिगोड़ामी हानिगोड़ामी भी नॉर्मली मिल जाता है ऐसे

बहुत ही लंबा होता है ताकि वो अच्छे से मछली पकड़ के खा सके तो ये निडल नोसगार का भी सेम है निडल जैसा लंबा है इसका जो ठोटो है इसीलिए इसे निडल नोस गार और ये जो है दामोदर गंगा ये सब जगह पे मिल जाता है इजीली निडल नोसगार हम लोग का इंडियन वर्जन है एलिगेटर गार का टॉप तो टेन लिस्ट में नंबर फाइव में जो है वो कि आप लोग को नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा फिश मार्केट में जो कि है मागुर मागुर देखिए एल्बिनो मागुर नहीं एल्बीनो मागुर तो भाई इंपोर्ट होकर आता है बाहर से एक्सोटिक में आता है पर ये जो मागूड़ है ब्लैक कलर का होता है नॉर्मली आप लोग के इंडियन मार्केट में भी मिल जाएगा इजीली और ये जो है बेहद बहुत, बहुत ही बड़ा हो जाता है टैंक में तो कहीं आप लोग अगर मागू हैं तो आपको बहुत ही बड़ा एक टैंक सेटअप करना होगा टॉप टेन लिस्ट में नंबर सिक्स में जो है जो कि है एक और एक खूबसूरत नेटिव पीस जो कि टैंक में रखेंगे तो आपका टैंक मस्त लगेगा ये मैं गारंटी दे रहा हूँ जो कि है बादश बदिस रेड कलर का होता है और थोड़ा बहुत डुअर गोड़ा में जैसा देखने में होता है और ये बेहद खूबसूरत लगता है टैंक में मेरे को बादश सेकेंड मोस्ट फेवरेट है मेरा नेटिव स्पीसीज में फर्स्ट क्या है वो तो मैं आज लास्ट में बताऊंगा वीडियो में तो बाद इस मेरा सेकेंड मोस्ट फेवरेट है और मेरा थर्ड मोस्ट फेवरेट जो है वो मेरा टॉप टेन लिस्ट में नंबर सेवन में जो है वो है स्टोन कैटफिश स्टोन कैटफिश बहुत सा प्लेको जैसा देखने में होता है पर इसका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है और इसका बॉडी पैटर्न जो है ना ऊपर से अगर देखेंगे तो लगेगा स्टोन मतलब चिपक गया उसका बॉडी में ऐसा देखने को लगता है सो स्टोन कैटफिश मेरे को थर्ड मेरा फेवरेट है देखो जैसा ही देखने में होता है बहुत ही छोटा होता है पर मैं इसे कभी रखा नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं रखा क्योंकि मेरा पहला बात तो मेरा नेटिव सेटअप नहीं है घर में अभी तक हाँ प्लान है मैं करूंगा एक नेटिव सेटअप बहुत अच्छा से मेरे पास अभी तो पूरा मतलब रेडी नेटिव सेटअप नहीं है इसलिए स्टोन कैट नहीं रखता नंबर एट में जो है वो है टायर ट्रैकिल टायर ट्रैकिल भी वैसे मिल जाते हैं नॉर्मली आप लोग अगर थोड़ा सर्च करेंगे थोड़ा मतलब रिवर पे पॉन्ट पे ऐसे सर्च करेंगे लोकली जो होता है जहाँ पे फार्म होता है फार्मिंग होता है उधर मिल जाएगा टायर ट्रैकिल इसका साइज ज़्यादा तो बड़ा नहीं होता फिर इसका जो बॉडी है इसमें बॉडी में स्ट्राइप्स रहता है जिसके कारण इसको टायर ट्रैक बोला जाता है क्योंकि टायर ट्रैक का भी वैसे गोल गोल स्ट्राइप्स रहता है इसलिए इसे टायर ट्रैक हिल कहा जाता है नंबर नाइन में जो है वो है लोच अब लोच कौन सा देखिए मेरे को स्पेसिफिकली नेटिव अगर लोच बात करूं तो मेरे को स्पेसिफिकली नेटिव कुछ लोच का नाम नहीं पता है क्योंकि आज तक मैं नहीं सुना पर नेटिव में कुछ इंडियन लोच मिलता है ये मैं सुना सुनाऊँ इंडियन लोच मैं देखा भी हूँ देखने में सुंदर होता है छोटा साइज का होता है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है इंडियन लोच कुछ होता है जो कि आप लोग को ईजीली मिल जाएगा नंबर टेन में जो है जो कि मेरा फर्स्ट फेवरेट है पूरा नेटिव लिस्ट में जो कि नन अदर देन चना मैरुलस और बोले तो स्नेक हेट सो गाइस चना मैरूलियस एक मॉन्स्टर में आ जाता है आपको बेहद उसको फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट फेवरेट है क्योंकि गाइस इसका लुक नेक्स्ट लेवल में है बहुत कोई क्या करता है चाना मेरुलियस को खाता है पर मेरे को ये पालने में ज्यादा मजा आता है खाने से इसलिए गाइस चाना मैरुलस मेरा नंबर वन में है और अगर गाइस ये टॉप टेन लिस्ट में प्राइस बताओ ना तो देखिए स्लेंडर रसबोरा का प्राइस ट्वेंटी तो टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पेयर में मिल जाता है घोषली तो तो में ऐसे मार्केट में मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में दस पंद्रह बीस रुपये में मिल जाएगा बहुत सारा हनी घोड़ा भी जो है लगभग ट्वेंटी टू थर्टी रुपीज़ पेयर में मिल जाएगा निडिल नुस्गार जो है आप लोग अगर पकड़ सके तो फ्री में मिल जाएगा नहीं तो चालीस से पचास रुपये में मिल जाएगा मागुर जो है दस बीस तीस रुपये में मिल जाएगा आराम से बाजार में मिल जाएगा बदिस जो है लगभग बारह से पंद्रह रुपये पीस में मिल जाएगा स्टोन कैट का बात करूँ तो वो भी लगभग बारह से पंद्रह रुपये पीस में मिलेगा टाइट ट्रकील का बात करूँ तो बीस हार्डली बीस रुपया में मिल जाएगा लोच का बात करूँ तो पंद्रह रुपया में मिल जाएगा और चाना मैरुलियस का बात करूँ थोड़ा ज़्यादा होता है वो लगभग एक सौ मतलब सौ से एक सौ बीस रुपया तक जाता है देखिए इसका प्राइस लिस्ट देखिए बहुत ही कम है बेसिकली कॉम्पिटिशन में अगर दूसरा फॉरेन फिश का बात करूँ बहुत ही कम है और इसमें से बहुत कोई ऐसा फिश है जो कि भाई बहुत ही सुंदर लगता है देखने में सो क्या बेसिकली आप लोग अगर इंटरेस्टेड है एक नेटिव टैंक बनाने में तो ये जो आज लिस्ट बोले इसमें से ज़रूर ट्राई कीजिए ये सब फिशेज अगर बोले मेरा रिकमेंडेशन की कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा सब सब में से तो मेरा पहला आएगा हनी गोडमी सेकेंडली आएगा बदिस थर्ड आएगा स्टोन कैट फोर्थ आएगा ट्राइट्रैकिल और एट लास्ट जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है चाना मेरोलियस ये मेरे लिए लिस्ट में सबसे बेस्ट फिशेज है आप लोग ट्राई कर सकते हैं आपका टैंक जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में सो so गाइस ये आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर भी नहीं होते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो